So once again, I, Anjum Bhatia Nirban, welcome you to join the class of English Literature. Today we are going to start at chapter number 4, which is the Malgudi Cricket Club. The chapter name is the Malgudi Cricket Club. Now before starting the chapter, let me tell you the main character of this chapter. Okay, first is Swaminathan, second is Mani, and third is Rajam. Three are best friends. Okay, you know, कहते हैं बहुत अच्छे friend हैं. And it is a story about a group who actually wanted to frame a cricket club. क्या बनाना चाहते हैं ये लोग? एक cricket club बनाना चाहते हैं. इनको बहुत अच्छा लगता है एक साथ रहना और ये cricket club को introduce करना चाहते हैं. So we'll read about all this. Okay, a group of enthusiastic school boys in the idyllic little town of Malgudi in British India plan to start their own cricket club. As I have told you that the three friends wanted to frame a cricket club. Okay, after making his exit, now here the talk we are talking about Swaminathan. सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Swaminathan के बारे में. After making his exit from Albert Mission School in the theatrical manner on the day following the strike. यानी अल्बर्ट मिशन स्कूल से उसने लेफ्ट कर दिया था स्वामीनाथन ने. स्वामीनाथन बिकेम सो कंसिस्टेंटली स्टबर्न. स्टबर्न मींस बहुत जिद्दी हो चुका था. दैट अ फ्यू डेज लेटर हिज फादर टुक हिम टू द बोर्ड स्कूल एंड एडमिटेड हिम देयर. और इसी कारण इसकी जिद्दी इतना जिद्दी होने के कारण स्वामीनाथन के फादर ने उसे कहाँ एडमिट करवा दिया था? बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था. ओके, एट फर्स्ट स्वामीनाथन वॉज रादर अ संडे. यानी पहले तो बहुत अजीब सा फील करता था वहां पर, नहीं अच्छा लगता था उसे. ओके, ऑफ हिज हैप्पीनेस इन द न्यू स्कूल. बट ही एक्साइटेड द क्यूरियोसिटी दैट द न्यू कमर्स डू. बट उसे जो क्यूरियोसिटी थी, ईगर टू नो एवरीवन. क्यूरियोसिटी मींस ईगर टू नो एवरीवन, वो जानना चाहता था सबके बारे में. तो ये उसे बहुत अच्छा लगता था, न्यू कमर्स कौन आएगा उनके बारे में जानना. एंड फाउंड हिमसेल्फ टू हिज ग्रेट सेटिस्फेक्शन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन सेकंड सी. All his new classmates, remarkably new faces. अब वो जैसे new था अपने स्कूल में, तो इस सारे faces भी क्या थे? New थे. कोई अच्छा friend नहीं था. Often clustered. Yeah, clustered meaning is have come together in small group. और ज़्यादातर जो लोग थे वो बहुत clustered में आते थे, means group में आते थे और वो हमेशा अकेला होता था. Around him and to see him and hear him to talk. Now क्या होता था वहाँ पर, जब उससे कोई वो अकेला देख उसे अकेला देखते था कोई भी वहाँ पर, तो क्या करते थे? क्लस्टर मीन्स एक ग्रुप में वहाँ के स्टूडेंट आते थे और उससे बात करने की कोशिश करते थे. आपके साथ होता है? आपके स्कूल में न्यू स्टूडेंट आता है तो आप लोग भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं. ही हैड नॉट येट पिक्ड द फ्यू दैट ही वुड हैव लाइक टू कॉल हिज चम्स. चम्स हियर मीनिंग इज फ्रेंड्स. उसने सभी को फ्रेंड नहीं बनाया, बट उनमें से किसी किसी को उसने फ्रेंड बना लिया. किसने? स्वामीनाथन. ही स्टिल बिलीव दैट हिज अल्बर्ट मिशन सेट वॉज इंटैक्ट. Set means group. Albert Mission, इसका जो old school था, वो अभी भी believe करता था कि वहाँ का जो group है, intact means complete and undamaged. यानी अभी भी उसका group वहाँ पर है. जो school, जो पुरानी school थी, उनके वहाँ के दोस्तों को वो हमेशा याद किया करता था. Okay? Though since the reopening in June, the set was not what it had been before. जैसे ही स्कूल रीओपन होगा, बट ऐसा सेट नहीं मिलेगा जैसा कि पहले था. ओके, ओनली राजम एंड मानी वर स्टिल इंटैक्ट एज फार एज स्वामीनाथन वॉज कंसर्न. मीन्स इसकी जो पुरानी स्कूल थी अल्बर्ट मिशन स्कूल, उसमें इसके दो बेस्ट फ्रेंड थे. कौन कौन? एज आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट इज राजम एंड सेकेंड इज मानी. मानी वॉज स्टिल इंटैक्ट एज फार एज स्वामीनाथन वॉज कंसर्न. मानी सॉ हिम एवरी डे. अब मानी तो उसको हमेशा देखा करता था. जैसे ही वो अपनी दूसरे स्कूल जाता था, मानी हमेशा उसे देखा करता था. बट राजम हैड नॉट स्पोकन टू हिम सिंस द डे हिज पॉलिटिकल डूइंग बिकेम नोन. जैसे राजम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे देख पाए, बट मानी उसे रोजाना स्कूल जाते हुए देखता था. सो दे वर थ्री फ्रेंड्स, एज यू गेट इट दैट तीन फ्रेंड कौन कौन थे? स्वामीनाथन, मनी एंड राजम. And now this afternoon, Swaminathan was sitting in a dark corner of the house trying to make a camera with the cardboard box and spectacle lenses. Now here, Swaminathan is sitting alone and क्या कर रहा है? एक कैमरा बनाने की कोशिश कर रहा है कार्डबोर्ड के बॉक्स से और स्पेक्टिकल लेंस से, अपने चश्मे के लेंस से. ओके, इन हिज एफर्ट टू ट्राई
sorry, in his effort to fix the lens in the hole that was one round too large. अब क्या करता है, वो जब fix करने लगता है, तो एक तरफ से होल क्या हो जाता है, large हो जाता है, बड़ा छेद हो जाता है. He was on the point of losing his temper. और तभी उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है. When he heard a familiar voice calling him. और तुरंत उसी वक्त उसे क्या लगता है कि उसने किसी फैमिलियर वॉइस को सुना है, उसकी वजह से क्या हो गया है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसके कारण उसका लेंस का होल क्या हो गया, बड़ा हो गया. नाउ थोड़ा सा गुस्सा आता है उसे, बट ही रेन रन टू द डोर. अब वो डोर की तरफ भाग कर जाता है कि कौन है. हेलो हेलो राजम, ही क्राइड. अब वो देखकर अपने फ्रेंड को पहचान जाता है. यह देयर इज राजम. राजम He cried, वो जोर से चिल्लाता है. Why didn't you tell me you were coming? आपने मुझे बताया क्यों नहीं that you are coming? What is the thing in your hand, Rajam asked. Now Rajam ने उसे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है आपके हाथ में, मुझे भी बताओ. Swaminathan was trying to make camera, right? तो उसने पूछा राजम ने कि आपके हाथ में क्या है. Oh, it is nothing. Swaminathan said, giving him the box. स्वामीनाथन ने कहा ये कुछ भी नहीं है, और जो बॉक्स उसके हाथ में था वो राजम को दे दिया. राजम said while gazing means look, to look carefully something, okay? राजम said while gazing at the world through the hole in the cardboard box that he was preparing to forgive Swaminathan for his past sins and would not mind his belonging to the board school. यानी ये सब चीजें उनको थोड़ा पास्ट की याद दिलाता है, और वो थोड़ी अपनी बातें भी करते हैं. उसके बाद देखिए क्या होता है, राजम क्या कहता है. They were to be friends as of old, जैसा कि वो क्या थे, फ्रेंड्स थे पुराने दोनों. What could he say to the cricket team? राजम asked. Suddenly राजम के माइंड में एक थॉट आता है कि क्या क्यों ना हम क्रिकेट टीम के बारे में सोचे. तुम्हारा क्या ख्याल है, किससे पूछा, स्वामीनाथन से पूछा. No, Rajam, I don't think I can play. Now, Swaminathan replied that I couldn't play. मैं नहीं खेल पाऊंगा, okay? I don't know how to play. मुझे नहीं पता मैं कैसे खेलूं. That is what everybody thinks, said Rajam. Rajam ने कहा ये सभी बोलते हैं. हमें कुछ करने से पहले हम ऐसा बोल देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ डू आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स. मैं मेरे बारे में नहीं जानता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. This was very pleasing to hear. Probably Hobbs. Hobbs here, Jack Hobbs was a renowned English cricketer. Okay, cricketer था. उसके बारे में बताया गया है कि शायद Hobbs too was shy. Hobbs जो था cricketer है renowned, वो भी बहुत shy था. Skeptical means doubtful about the truth of something before he took the bat and swung it. और जैसा ही जब उसने अपने हाथ में, किसके बारे में बात कही जा रही है यहाँ पर, Hobbs के बारे में. यानी राजम उसे समझा रहा है कि जो रिनोट क्रिकेटर है हॉब, वो भी ऐसा ही था. वो भी शर्माता था, डरता था, और उसे डाउट रहता था हर बार. लेकिन आज वो एक रिनोट क्रिकेटर है, क्योंकि उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है. ओके क्लास, Now here we can say we can challenge a lot of team. Now Rajam is saying that we can challenge a lot of team. हम अगर खेलेंगे तो हम बहुत सारी टीम को चैलेंज भी कर सकते हैं. Okay, including our school 11. और हमारा जो स्कूल का टीम है school 11, उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं. They think they can't be beaten. उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, said Swaminathan. अब Swaminathan बहुत great energy के साथ बोलता है कि हाँ हमें खेलना चाहिए. पहले तो वो refuse कर रहा था, मना कर रहा था, but now he is saying that we should play now. And now what he is saying that we can beat anyone. हम किसी को भी हरा सकते हैं अगर हम एक साथ हो जाए तो. Okay, what the board school mugs think that. स्कूल मग्स, हियर मग्स मीनिंग देखिए स्टूपिड पीपल के लिए आता है. ओके, किसके लिए आता है मग्स, यूज किसके लिए होता है, स्टूपिड पीपल. सो थिंक दैट वी शैल थ्रेस देम. ओ यस, हम उन्हें भी हरा देंगे जो इतनी बकवास बातें सोचते हैं, जो ये सोचते हैं, जिन्हें इतना प्राउड है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है, तो हम उनको भी हरा देंगे. हु इज सेइंग दिस, राजा मैन स्वामीनाथन. What shall we call it? Now they are thinking that अब हमारे जो हम क्रिकेट क्लब बनाएंगे उसका नाम क्या होना चाहिए. What it should be named? Okay? Don't you know? It is the MCC2, said Rajam. यानी हम इसका नेम क्या रखेंगे, MCC2. That is Hobbs team. यानी अब now here Rajam is saying that कि ये तो Hobbs की टीम है. Sorry, स्वामीनाथन कह रहा है ये तो Hobbs की टीम है. Hobbs कौन था? Renowned cricketer. Okay? Isn't it? They may drag us before a court if we take their name. अगर हमने उनका नेम रख लिया तो वो हमें कोर्ट तक ले जाएंगे. ऐसा होता है ना, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग हम चले तो हम किसी भी टीम का नेम, खुद का नेम नहीं रख सकते हैं. नेम शुड बी डिफरेंट. ओके,
Who says that? Kisne kaha tumhe ye? If we get into any trouble, I shall declare before the judge that MCC stands for the Malgudi Cricket Club. यानी राजम कहता है तुम्हें किसने कहा अगर हम कोर्ट में जाएंगे भी तो मैं जज को कह दूंगा एमसीसी का फुल फॉर्म है मालगुडी क्रिकेट क्लब, ये फॉक्स की टीम नहीं है, हमारा टीम का नेम अलग है. स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, स्वामीनाथन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, दो एमसीसी इज साउंडेड इम्पोजिंग, द नेम वॉज रियली अ बिग डैम, डैम यानी पुराना, बहुत पुराना नेम था. आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम राजन. नाउ स्वामीनाथन इज सेइंग दैट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट अदर नेम. ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट, अब तुम अपना नाम बताओ तुम क्या सजेस्ट करोगे. वेल आई एम फॉर फ्रेंड्स 11, मैं किसके लिए स्टैंड कर रहा हूँ, फ्रेंड्स 11, यानी उन्होंने एक नाम सजेस्ट वापस दिया है एमसीसी क्लब के बाद में, उन्होंने क्या नाम दिया है, फ्रेंड्स 11. फ्रेंड्स 11 ओ से जंपिंग स्टार, सेड स्वामीनाथ. फिर अगेन उसके माइंड में एक और नेम आता है, जंपिंग स्टार भी हम नेम रख सकते हैं हमारे क्रिकेट क्लब का. ओ दैट इज नॉट बैड, नॉट बैड, ये इतना अच्छा नहीं है और ना ही बुरा है. आई डोंट थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल अवरसेल्स जंपिंग स्टार्स. ठीक है, मुझे नहीं, आई डू थिंक, मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत हमारे लिए वर्क करेगा एज अ जंपिंग स्टार्स. राजन इंस्टेंटली हैड अ विजन ऑफ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट. नाउ अब राजन क्या होता है, न्यूज़पेपर के बारे में सोचने लगता है. हमें लगता है ना हम किसी काम को स्टार्ट करते तो हम पहले ही उसके आगे के बारे में सोचने लग जाते हैं. राजम अपने बारे में सोच रहा है कि हमारा नेम आया है न्यूज़पेपर में, द जंपिंग स्टार साउंडली थ्रेस्ड अ बोर्ड हाई स्कूल 11, कि जंपिंग स्टार ने किसको हरा दिया है, बोर्ड हाई स्कूल 11 टीम को हरा दिया, इट इज ब्यूटी आई थिंक ही क्राइड. और वो ऐसा सोच करके जोर से चिल्लाता है कि मुझे बहुत पसंद आया, मूव बाय द विजन, और विजन से अपने ख्याल से अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है. ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, now he took a pencil and a piece of paper and said, come on Swami, recite the names, recite yani mujhe name bataiye that come to your head, jo jo tumhare mind mein aate hain. It would be better to have a long list, select from, we shall underline jumping star and MCC and give them special consideration, yani thought, special thought in par hi dalenge, come on. Yani Rajan ne kaha ki aap mujhe ek pencil do aur ek piece of paper dijiye jisme hum jo jo name hamare mind mein aa rahe hain hum likh lete hain, note down kar lete hain, then but we'll underline the name of jumping star and MCC, okay, kyunki because these two names are special for us. Okay, Swaminathan remained thoughtful and static. Yani Swaminathan abhi bhi soch raha hai bahut sare names, friends 11, jumping stars, friends union. I have friends union here already, Rajan said. Rajan ne kaha friends union main likh chuka hu, pointed to the list, list mein point karte hue bataya. Swaminathan went on exhalation. Exhalations means used in the name of products to indicate superior qualities. Yani kisi name ko is tarike se superior quality dena, that is exhalations. I have got it, मुझे मिल गया. Exhalations Union, Champion 11, a long pause. और उसके बाद इतने सारे नाम बता करके वो दोनों शांत हो गए और सोच में पड़ गए कि हमें कौन सा नेम रखना चाहिए. Are you dried up? Rajan asked. राजन ने पूछा क्या तुमने इनमें से कोई नेम कट किया है, ड्राइड अप किया है. नो, इफ मानी हुआ यार, अगर मानी भी यही होता, ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स. अगर मानी उनका जो थर्ड फ्रेंड था अगर वो भी होता तो मे बी ही वुड सजेस्टेड अस फॉर न्यू नेम्स. ओके, फिर अगेन वो कहता है चैंपियन 11, यू हैव जस्ट सेड इट, विक्ट्री यूनियन 11, That is very good. ये भी बहुत अच्छा name है. यानी अभी भी उन दोनों के बीच में किस चीज का discussion चल रहा है, name suggest करने का. Okay? I think it is very very good. Which name is good? Victory Union 11. कौन सा name इनको पसंद आया है? Victory Union 11 इनको अच्छा लगा है. People would be afraid of us. People लोग हमसे डरेंगे इस नाम को देख करके. He held the list before him and read the names with great satisfaction. Now राजन ने लिस्ट ली और बहुत अच्छे ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ उसने अपने लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नेम बोलना स्टार्ट कर दिया. ही हैड स्ट्रगल्ड hard on the previous night to get a few names, but only friends union and excelsors
kept coming till that he felt fatigued. Fatigue means tired. जब तक कि वो tired नहीं हो गए, तब तक उनके मन में क्या नाम आ रहा था? Friends Union या Excelsiors, okay? But what a lot of names Swaminathan was able to reel off. अब कई तो ऐसे names थे जो Swaminathan अभी भी बताना चाहता था. Can you meet me tomorrow evening, Swami? Raja ने saying that Swami कहता हूँ मुझे कल शाम को मिल सकते हो. I shall get money down. मैं money को भी ले आऊँगा. Let us select the name. और हम name select कर लेंगे. After a while, Swaminathan asked. थोड़ी ही देर बाद में स्वामीनाथन बोलता है, पूछता है, look here, यहाँ देखो, do you think we shall have to pay tax or something to the government when we start the team? क्या तुम्हें लगता है हमें भी टैक्स देना पड़ेगा जब हम हमारी टीम को स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट को? The government seems to tax everything in this world. हमें पता है गवर्नमेंट हर चीज का टैक्स लेती है इस वर्ल्ड में. My father's pay is about 500. मेरे फादर का पे क्या है? 500 है, but nearly 200 and over is demanded by the government. और उसमें जो 200 से ऊपर किसी की अगर पे है तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेगी. यानी अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन ये बात चल रही है. ओके, एनीवे व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्स? क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमें टैक्स, हमें भी टैक्स देना होगा? I mean, if we don't pay tax, the government may not recognize our team or its name, and 100 other teams may take the same name. Now, Rajan replied that, हाँ, ऐसा है. अगर हम government को tax नहीं देंगे, तो क्या होगा? हमारी team को कोई recognize नहीं करेगा. Even government भी recognize नहीं करेगी. और क्या होगा? हमारी team का name, जो हमने इतनी मेहनत से select किया है, वो 100 of people अपनी team का भी रख सकेंगे if we'll not pay the tax. It might lead to all sorts of complications. और इससे हमें बहुत सारी problem भी हो सकती है, complications भी आ सकते हैं. Suppose we have two names, ask Rajan. Rajan ने कहा, सोचो हमारे पास कोई भी two name है. हमारी team के कितने name है? Two names है. I mean, it is not done. ऐसा नहीं हो सकता है. Who's saying that? Swaminathan is saying that it is not done. एक team के दो name कैसे हो सकते हैं? I knew a lot of team that have two names. Now Rajan replied, मैं जानता हूँ बहुत सारे इतने teams को जिनके दो name हैं. When I was in Vice of Ballers here, this is the place of Chennai. Okay, we had a cricket team that we called. यानी जब मैं वाइसा बॉलर्स में था तो हमने, हमारे पास एक क्रिकेट टीम थी जिसको, जिसके टू नेम्स थे. ओके, वी कॉल्ड देम. फिर थोड़ा सा पॉज लेता है राजा, बट फिर उसके बाद क्या कहता है? आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, लेकिन मुझे वो दोनों नेम अभी याद नहीं है. आई थिंक वी कॉल इट क्रिकेट 11 एंड बॉलर्स क्रिकेट 11. फिर उसे सडन याद आता है कि हाँ, हम उसे कहते थे क्रिकेट 11 या फिर बॉलर्स क्रिकेट 11. यू सी, वन नेम इज फॉर ऑर्डिनरी यूज एंड द अदर इज फॉर मैचेस. अब तुम देखो कि एक तो ऑर्डिनरी यूज के लिए यूज होता था और एक जब मैच हुआ करता था तब उनका नेम बोला जाता था. इट इज ऑल वेरी वेल फॉर द रिच टीम लाइक योर वॉलर्स, कि ये सब उन लोगों के लिए जो बहुत रिच है, रिच टीम्स के लिए है, लाइक योर वॉलर्स. बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स टू टैक्सेस फ्रॉम अस, और अगर ऐसा हमने टू नेम्स रखे तो सपोज कि गवर्नमेंट को तो टू टाइम हमें टैक्स पे करना होगा. राजन रियलाइज एट दिस पॉइंट दैट द स्टार्टिंग ऑफ क्रिकेट टीम वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑन अर्थ. अब नाउ राजन इज रियलाइजिंग दैट कि कोई भी चीज या कोई भी क्रिकेट टीम को स्टार्ट करना शुरू में तो वो क्या है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, एक अर्थ के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग आ रही है. ओके, He had simply expected to gather a dozen fellow in the maidan next to his compound and play. Maidan here meaning is on open area or field. Maidan, आप लोग सब जानते होंगे कि open area को कहते हैं. Okay, and challenge the wall. But here were endless troubles. But यहाँ endless trouble है, बहुत सारे trouble आगे भी आ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं, अभी है तो बाद में नहीं है. Starting with the name that must be unique, government taxes and so on. यानी कैसे कैसे trouble उन्होंने face किए, starting with the name को suggest करना, government के tax के बारे में सोचा, मैदान के बारे में सोचा, field के बारे में सोचा, and so on. और आगे और भी चीजें हो सकती है. So here Rajan is realizing that this is very difficult task. They sat around Rajan's tables in his room. Now they sat around in his room, Rajan's room. Mani held before him a catalogue of measures. यानी अब तीनों फ्रेंड्स मिलकर क्या कर रहे हैं?
एक कैटलॉग देख रहे हैं द शॉप ऑफ स्पोर्ट्स गुड, और जो कि किसके बारे में है, स्पोर्ट्स गुड यानी स्पोर्ट्स का जितना भी सामान, गुड्स यानी प्रोडक्ट्स यानी जितने भी सामान मिलते हैं वो उसके बारे में वो कैटलॉग देख रहे हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। He read Junior Willard's bed. उसने क्या क्या पढ़ा? Junior Willard's bed, 7-8, made of finest season wood, used by Cambridge Junior Boys 11. उसने क्या क्या पढ़ा वहां पर कि क्वालिटी देखी उनकी, बेड्स के बारे में पता किया और किस किस से रिलेट करती है, कौन कौन उनको यूज करता है चीजों को, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था कैटलॉग में। लेट मी हैव अ लुक एट इट, मुझे यहाँ से देखने दो, सेड राजम। राजम ने कहा, he bent over the table and said, seem to be a fine bat. उसने एक पॉइंट आउट किया एक बैट की तरफ कैटलॉग में देखकर कि मुझे ये बैट थोड़ा सही लग रहा है। Have a look at the Swami. ये देखिए दोनों देख रहे हैं कैटलॉग में और इनको एक बैट पसंद आता है तो वो कहता है स्वामी आप भी देखो ये बैट कैसा दिख रहा है। स्वामीनाथन क्रेन हिज नेक, अपनी नेक को हिलाता है, थोड़ा मूव करता है एंड एग्री करता है दैट इट वॉज अ फाइन बैट, कि ये एक बहुत ही अच्छा बैट है। बट ही वॉज इनडिस्क्रीट इनफ टू से, इनडिस्क्रीट मीन्स not careful and not very polite, कि वो जब बात कर रहा था indiscreet manner में बोल रहा था कि ये अच्छा है। It looked like any other bat in the catalog, कि ऐसा लग रहा है कि हमें कोई और भी देख लेना चाहिए। Mani's left hand shot out a held his neck and pressed his face close to the picture of the bed. अब Mani भी थोड़ा अपना face आगे लाता है bed को देखने के लिए। Why do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between Junior Willard and other bats? Mani क्या कहता है कि तुम लोग pretend क्यों करते हो कि तुम्हें खेलना है जब तुम्हें पता ही नहीं है Junior Willard bat में और other bats में कितना फर्क है, कितना difference है। Means they are talking about the quality of bats. You are not fit to be even a sweeper in our team. Now, Mani is saying that कि तुम एक sweeper भी नहीं बन पाओगे हमारी team के। After this admonition, the whole was relaxed. Admonition meaning here warning. इस warning के बाद एक बार सब शांत हो जाते हैं। There was a pause and after that Rajam said, वहाँ पर सभी शांत हैं। बाद में राजम कहता है नोट इट डाउन, इसे लिखो स्वामी। स्वामीनाथन नोट इट डाउन ऑन अ पेपर, स्वामीनाथन उसके बारे में लिखता है Willard Junior bat means, इसका मीनिंग है Willard Junior Willard bat, लेकिन उसको स्पेलिंग नहीं आती है तो वो इस तरीके से लिखता है। यू कैन सी ओवर हियर Junior Willard bat, बट वो कैसे लिखता है Willard Junior bat, ओके, इन हिज लैंग्वेज, क्योंकि उसको स्पेलिंग नहीं आती है। एंड लुकिंग अप आस्क, और पूछता है हाउ मैनी, यानी मुझे कितने। Now he is asking how many I have to order. Say three. उन्होंने उनमें से मनी ने कहा will that do money कि हमें three order कर देने चाहिए। Why waste money on three beds? Two will do. कि वहां से एक राजम कहता है कि दो बेड्स में ही हमारा काम चल जाएगा, हम तीन में क्यों पैसा खराब करें। But suppose one breaks in the middle of a match? राजम ने पूछा अगर कोई एक बीच में टूट जाता है तो। Do you suppose we are going to supply beds to our opponents? क्या हम हमारी अपोजिट टीम को भी हमारे बेड्स देंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? They will have to come provided with bats. हमारी अपोजिट टीम को खुद के बैट्स लाने होंगे, हम उन्हें हमारे बैट्स नहीं देंगे। We must make it clear, और हमें इसे पहले ही क्लियर कर देना होगा। Even then, if our bats break, we may have to stop play. अगर हमारे बैट्स टूट भी जाते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं, तो हम खेलना ही बंद कर देंगे। Two will do. Two better है। हम three नहीं मंगवाएंगे, two bats ही मंगाएंगे, राजम, unless you want to waste money, और उसके अलावा तुम अपना money waste करोगे। राजम enthusiasm was great, राजम के बहुत great demand थी, energy बहुत अच्छी थी। He left his chair, उसने अपने chair को छोड़ा and sat on the arm of Mani's chair, Mani की chair पर आके बैठ गया, gloating over the picture of cricket goods in the catalog, और जो जितनी भी catalog में pictures थी bat की और cricket items की उनको देखने लगा। स्वामीनाथन thought he was considered to be a bit of heretic. Heretic meaning a person who holds a belief or an opinion that strongly disagreed with what most people believe. यानी बहुत मुश्किल से किसी पर believe कर पाना. Caught the enthusiasm and perched on the other arm of the chair. Perch meaning to sit on the edge. तो किस पर जाके बैठ गया? दूसरी चेयर की आर्म की एज पर जाकर बैठ गया।
All the three devoured with their eyes and glossy pictures and cricket balls, bat and nets. अब तीनों किस पर ध्यान देने लगे friends? Catalog में pictures देखने लगे किस किस के बारे में? Cricket balls, bats and nets सब search करने लगे कि हमें क्या मंगवाना चाहिए. In about an hour, they selected for the catalog their team's requirement. Their requirement meaning is something that you need. कि ऐसी चीजें उन्होंने select की जो उन्हें जरूरत थी. And then came to the most difficult part, the whole affair, a letter to Mrs. Finn. यानी सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आके रुक गए कि अब हमें लेटर लिखना है मिसेस विन की शॉप पर कि हमें ये सामान चाहिए. ऑर्डरिंग गुड किसके लिए लेटर लिखना है? ऑर्डर करने के लिए. ओके बेयर कर्टसी मेड राजम. बेयर कर्टसी मींस पोलाइट बिहेवियर. राजम का बिहेवियर बहुत पोलाइट था. यहाँ पर ऑफर द ऑथरशिप टू लेटर टू मनी हु डिक्लाइन इट. कि राजम ने क्या कहा? मनी आप ये लेटर लिखो, क्योंकि वो पहले मना कर चुका था. राजम टुक अप टू द टास्क हिमसेल्फ. अब राजम ने खुद लेटर लिखना चाहा. हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर. यानी अब उसने एक लेटर लिख दिया. अब लेटर देखिए आप. From MCC of Victory Union 11 Malgudi. यानी उन्होंने क्या नेम लिखा है? Victory Union 11. अपनी टीम का नेम क्या सेलेक्ट किया था उन्होंने लास्ट में? Victory Union 11. To Mrs. Vince. किसको दिया है लेटर? Mrs. Vince को. Sportsman Mount Road Madras. Dear sir, please send to our team two junior Willard bats, six balls, wicket and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. Yours obediently, Captain Rajan, Captain. यानी उन्होंने लेटर में क्या लिखा है कि हमें क्या क्या भेजो? जूनियर गुलाट्स बैट्स भेज दीजिए, सिक्स बॉल भेज दीजिए, विकेट्स भेज दीजिए, अनदर थिंग्स क्विकली जल्दी से भेजिए. इट इज वेरी अर्जेंट बहुत जरूरी है. हम आपको मनी भेज देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा. Yours obediently, Captain Rajan. Okay? तो इतना कहकर This letter received Swaminathan's benedictions. Benedictions here meaning blessings. Okay, ये letter किसकी blessings की वजह से था? Swaminathan की वजह से, क्योंकि उसने ये idea दिया था letter लिखने का. But Mani expressed certain doubts. अब Mani को कुछ doubts है इसमें भी. He wanted to know whether dear could stand at the beginning of a letter to perfect stranger. यानी उसे क्या था कि हमें डियर लिखना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर पर्सन है. हम लेटर में उसे डियर लिखेंगे या सर लिखेंगे? हाउ कैन यू कॉल विंस डियर सर? अब वो क्या कहता है कि आप विंस को डियर सर कैसे कह सकते हो? यू मस्ट से सर ओनली. आपको क्या कहना है? ओनली सर कहना है. राजम एक्सप्लेनेशंस वाज आई वांट से सर. नाउ राजम इज सेइंग दैट मैं उन्हें सर नहीं बोलूंगा. इट इज सेड ओनली बाय क्लब, जो कि सिर्फ क्लब को कहा जाता है. आई एम नॉट विंस क्लब. मैं विंस का कोई लव नहीं हूं, तो ताकि मैं उसे सर कहूं मैं उन्हें डियर कह सकूंगा. ऐसा होता है ना कि किसी के अंडर हम काम कर रहे हैं तो हम उसे सर बोलेंगे. तो राजन इज सेइंग दैट आई एम नॉट हिज प्रिंस क्लर्क. मैं प्रिंस का क्लर्क नहीं हूं कि मैं उसे ओनली सर कहूं. आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर. ओके सो दिस लेटर वेंट एज इट वाज. और इतने डिस्कशन के बाद उन्होंने अपना लेटर जैसा लिखा था वैसे ही भेज दिया. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी. आई थिंक यू एंजॉयड द स्टोरी. So class, here we have completed our chapter. Tomorrow or maybe in our next video, we'll do question answers along with word meanings. Till then, stay safe, stay home. Bye-bye.